हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर रामराम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज का टॉपिक है मेलाडर्म एमटी क्रीम के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, इसका उपयोग मैं आपको बता दूं, कील, मुहासे, दाग धब्बे, ब्लैक स्पॉट और जिस तरह से महिलाओं को धूप में स्किन जल जाती है तब इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मेलाडर्म एमटी क्रीम का उपयोग आपको मैंने बताया कि मुहासे, काले धब्बे, कील और पिंपल्स, एक्ने प्रॉब्लम के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इसका उपयोग करने का तरीका, इसके साइड इफेक्ट्स मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉम्पोजिशन में चलते हैं दोस्तों। तो इसमें आपको मिलता है हाइड्रोक्विनोन USP 2%, और टेट्रीनोइन आपको मिलता है USP 0.025%, मोमेंटासोन उसमें आपको मिलता है IP 0.1%। इसका कॉम्बिनेशन है दोस्तों, जिससे कई बार आपको होता क्या है दोस्तों, इसको यूज़ करने में इचिंग, रेडनेस और कई बार स्किन जल भी जाती है दोस्तों। आपको इसको सही तरीके से यूज़ करने का तरीका ना मालूम होने के कारण भी ऐसा हो जाता है, और बिना डॉक्टर की सलाह के भी यूज़ करना नहीं चाहिए। जब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जब भी आप इसका यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्टेक कंपनी का प्रोडक्ट है। ₹114 इसकी MRP किसी भी नज़दीकी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाता है। 20 ग्राम की पैकिंग में मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों। इसमें हाइड्रोक्विनोन और टेट्रीनोइन के कारण मोमेंटासोन जो है इसमें कॉम्बिनेशन, कई बार जो है ना इसको यूज़ करते समय आपको इचिंग, खुजली और रेडनेस और जलन हो सकती है। और इसका कारण यह है कि कई बार लोग इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा। अगर ऐसी कोई समस्या आपको हो रही है तो आप ज़रूर जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, और बिना दिखाए उसे उसको यूज़ ना करें। और ख़ासकर बच्चों से इसकी दूरी बनाए रखें, और ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए बॉडी में बाहरी त्वचा में ही लगाना है, इंटरनल इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, इसका डोज है, इसको लगाने का तरीका है, तो मैं आपको बता दूं, इसको रात में ही यूज़ करना है, सिर्फ दिन में एक बार सोते समय। इसके अलावा इसको यूज़ नहीं करना है। रात में जब आप सो रहे हैं, यानी सोने के पहले आपको अपने यानी चेहरे को अच्छे से वॉश कर लेना है, फेस वॉश से या किसी भी ऐसे साबुन से जिसका आप यूज़ कर रहे हैं। फेस वॉश साबुन आते हैं स्किन शाइन करके भी आते हैं, तो आप उसकी तरह से कोई भी आप जो अच्छा आपको साबुन लगता है उससे आप फेस वॉश कर लें। उसके बाद आप अच्छे से उसको धो लें, चेहरे को साफ कर लें, उसके बाद तौलिए से अच्छे से सुखा लें, चेहरे को ड्राई कर लें। उसके 5 मिनट बाद आप इसको इजीली थोड़ा यानी पतली परत आप इसको लगा सकते हैं। ज़्यादा भी यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा लेके आपको पूरे चेहरे में लगा लेना है जहाँ स्पॉट्स हैं, ठीक है, जहाँ स्पॉट्स हैं वहीं लगाना है, नहीं तो आपको जलन में खुजली भी हो सकती है। और दोस्तों, जब भी आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आप जब दिन में आपको क्या करना है, जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, सनलाइट में निकल रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो आपको सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर ये बिना नहीं निकलना है, क्योंकि इस दौरान आपको यानी धूप से आपको एलर्जी हो सकती है और जो आपके ब्लैक स्पॉट है वो बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो SPF 15 से ज़्यादा का ही सनस्क्रीन लें, जिससे आपको टाइमिंग मिलता है बाहर घूमने का, और आपकी स्किन को भी टाइम मिलता है कि सन से उसको प्रोटेक्शन मिलती है। तो दोस्तों, ये तो रहा मेलाडर्म एमटी क्रीम के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।